हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन प्लस टू बीएससी 1, 2, 3 एंड एमएससी. सो इन द फिजिक्स प्रैक्टिकल सीरीज इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन अबाउट द बेसिस ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डू अबाउट द स्क्रू गॉज, अबाउट द बेसिस ऑफ अ स्क्रू गॉज. ठीक है, सो आई हैव दिस स्क्रू गॉज इन माई लैब. So this is, first of all we will do the construction of a screw gauze. So these are the two studs, this one stud is this, second stud is this, this is a screw. Okay, see here. So this is these are the studs, these are also end of, this is stud, this is a screw. Okay, this is a pitch scale, this pitch scale, this is a pitch scale, no? So this is a pitch scale, clear? Dekho 0, 5 ethe vi tonu show ho reha hona, 0, 5, 10, clear? सो अप टू 10, 15 तक होएगा ये. ठीक है जी, सो दिस इज़ अ पिच स्केल इन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दिस पिच स्केल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन स्केल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन स्केल एंड दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन. सो दिस लाइन इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन. क्लियर जी, एंड दिस इज अ सर्कुलर स्केल. देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0 मीन्स 100. ठीक है, 90, 80, 70, 60 सो ऑन अप टू 100 तक होएगा बेटा ये. क्लियर, सो ये मेरे को 100 वाली है. इन सम लैब्स ये 50 रोटेशंस तक दी हुई होंगी है सर्कुलर स्केल, मीन सर्कुल स्केल 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक भी होंगी है, पर मेरे को जो लैब दे विच है दैट इज़ अप टू 100. सो दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल, दिस इज़ अ थिम्बल, दिस इज़ अ थिम्बल, क्लियर रैचेट. ठीक है जी, स्क्रू हैड भी कह देंगे. क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गॉज. सो वट इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वैन अ स्क्रू इज रोटेटेड, कि जो आप स्क्रू नू रोटेट करते हैं द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन टू इट. सो किनिया आप मैं रोटेशंस दे रही है ना, सो जिन्या आप रोटेशंस दे रहे हैं दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर डिस्टेंस. लीनियर डिस्टेंस मीन्स दिस वन, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू. सो स्क्रू गॉज दे विच भी जी स्क्रू गॉज आप यूज़ करते हैं दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन इज इट दिस प्रिंसिपल. ठीक है जी, दैन ना तो को आ जाती है कंस्ट्रक्शन बेटा, तुम देख ली है मेरे को. ठीक है, सो अपना तो सिर्फ इनू ही मूव करना. ठीक है, आ वाली चीज़ में ही मूव करना होंगे आप. ठीक है, ये मटैलिक फ्रेम होंगे, ये इतने 15 mm लिखा हुआ है क्योंकि मेन स्केल जो है वो 15 mm तक है मेरे को. ठीक है, 10 मैं तो पहला भी तुम शो किया 15 mm तक. ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड यू कैन से दैट द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू गॉज. दैन थोड़े को आ जाता है कि वट इज़ पिच एंड लीस्ट काउंट. सो पिच एंड लीस्ट काउंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट जो एक्सपेरीमेंट आप स्क्रू गॉज के नाल करांगे वो एक्सपेरीमेंट की है, दैट एक्सपेरीमेंट हैगा टू मेजर द डायामीटर ऑफ अ वायर अलोंग यूजिंग अ स्क्रू गॉज एंड टू फाइंड इट्स वॉल्यूम. सो डायामीटर फाइंड आउट कर लिया तो वॉल्यूम बेटे अपना ऑटोमैटिकली आप फाइंड आउट कर लेना. ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिच, पिच की होंगी है. देखो फर्स्ट डिफाइन पिच, द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स स्क्रू व्हेन वन कंप्लीट रोटेशन इज गिवन टू इट. सो जो तुम बेटा स्क्रू गॉज बंद करनी है ना, देखो मैं ओपन करती स्क्रू गॉज, सो तुहाडे कोल एक टिक की आवाज़ आती है. ठीक है, सो वो टिक की आवाज़ का मतलब होंगे कि जी वाली रेफरेंस लाइन की जीरो आ वो तो जीरो के नाल जी सर्कुलर स्केल की जीरो है वो नाल मैच कर दे. ठीक है, क्लियर. सो पिच की है, पिच लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू वैन वन कंप्लीट रोटेशन इज गिवन टू इट. सो जो आप एक कंप्लीट रोटेशन दिने, सपोज कर लो मैं इतों जीरो तो स्टार्ट कर रही हूँ, आई विल टेक द अनदर स्क्रू, अनदर स्क्रू गॉज. सो दिस इज़ अ दिस आई हैव इन दिस जीरो मैचिज विद द रेफरेंस लाइन. सो रेफरेंस लाइन तो बेटा तुम देख ही चुके हो कि रेफरेंस लाइन कि होंगी है, रेफरेंस लाइन कि है आ वाली रेफरेंस लाइन है तुहाडे कोले. ठीक है, आ रेफरेंस लाइन है. सो रेफरेंस लाइन तो जीरो आ जी वो मैच करती होनी चाहिए है, तो कोई जीरो एरर नहीं होंगे उस टाइम, देर इज़ नो जीरो एरर एट दैट टाइम. सो
जिहड़ी तुहाडे कोल पिच आ कि जो तुसीं कंप्लीट रोटेशन देती तो किन्ना लीनियर डिस्टेंस मूव किया। सो देखो जीरो तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कंप्लीट दोबारा फिर जीरो पर आना, दोबारा फिर मैं जीरो पर मैं आ चुकी हूँ जीरो पर। सो एक कंप्लीट रोटेशन दे दौरान किन्ना डिस्टेंस मूव किया, सो दैट इज़ पिच। ठीक है, सो जे तुहाडे कोल दो जिवें हुण ए वाली जिहड़ी मैं स्क्रू को यूज़ की है ये 1 mm डिस्टेंस मूव किया जो तो एक कंप्लीट रोटेशन हुई है। 1 mm डिस्टेंस मूवड वैल देर इज़ 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है जी, सो पिच इन दिस केस पिच विल बी इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस मूवड बाय द स्क्रू दैट इज इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाय 1 कंप्लीट रोटेशन दैट इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है जी, हूँ इफ वी गिव 2 रोटेशन दैन डिस्टेंस मूवड विल बी 2, इफ वी गिव 3 रोटेशन डिस्टेंस मूवड विल बी 3। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली तुसीं इहनू लैणा। ये मेरे को 100 जिहड़ी है डिवीजनस वाली है, सर्कुलर स्केल ते किन्नियां डिवीजनस है 100 डिवीजनस है। दैन लीस्ट काउंट तुहाडे कोल की है बच्चे, दैट इज़ द रेशियो ऑफ पिच ऑबलीक नंबर ऑफ डिवीजनस ऑन द सर्कुलर स्केल, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजनस ऑन द सर्कुलर स्केल। सो पिच मेरे को आई है 1 mm एंड नंबर ऑफ डिवीजनस ऑफ द सर्कुलर स्केल किनिया ने, दैट इज इक्वल टू 100। सो द आंसर विल बी 0.01 mm। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01 mm, और यू नो दैट 10 mm दैट इज इक्वल टू 1 cm। ठीक है जी, 1 mm दैट इज इक्वल टू 1/10 cm, सो इन सेंटीमीटर 0.01 डिवाइडेड बाय 10 cm एंड दैट इज इक्वल टू 0.001 cm। सो देखो बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर्स। इन वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज 0.01 cm, सो दैट विल मेजर द लेंथ अप टू 2 decimals और 2 digits तक, दिस विल अप टू 3 digits आफ्टर द decimals, सो दिस इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। क्लियर, सो दिस इज द लीस्ट काउंट। इन दैट केस जो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल तो कि 100 है, समटाइम्स देर विल बी 50 डिवीजन, सो अकॉर्डिंगली उस अकॉर्डिंगली लीस्ट काउंट जोड़ा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लीयर जी। सो इन डिपेंड करता हर एक बेटा लीस्ट काउंट की होंगे, दैट इज़ द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन इंस्ट्रूमेंट दैट वी कैन मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ द लीस्ट काउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी तुसी कोई भी प्रैक्टिकल करना है यू हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट फर्स्ट। क्लीयर, सो दिस इज अबाउट द लीस्ट काउंट एंड पिच ऑफ द वर्नियर सॉरी स्क्यू वॉस। ठीक है जी, दैन मैं एक डायग्राम ड्रॉ की है बच्चे थोड़े लिए, ये थोड़े को ओवली स्क्यू वॉस है जिदे थोड़े को 50 डिवीजनस है इतने, जिमें 0, 5, 10, ठीक है 20, 30, 40, 50 अप टू 50 तक है। देखो ये ठीक है अप टू कितने तक है 50 तक का। ये देखो आ वाली जी रेफरेंस लाइन वाली जीरो आ रेफरेंस लाइन की जीरो है, जो तो रेफरेंस लाइन की जीरो जी बिल्कुल ये मैच करती आ वाली जीरो के नाल, दैन देर इज़ नो जीरो एरर। सो देखो बेटा ये देखो आ वाली स्क्रू गॉज के आ जीरो आ मेरे को इतने 10 आ ही जाता, सो हेयर इज़ अ जीरो एरर। सो इन द स्क्रू गॉज वैन जीरो ऑफ द रेफरेंस लाइन मैचिज विद दी इन दिस देर इज़ ए फुल मैचिंग ऑफ द रेफरेंस लाइन विद द जीरो। ठीक है, सो जीरो जो बिल्कुल मैच करती है दैन देर इज़ नो जीरो एरर। वैन जीरो ऑफ द वट जीरो सर्कुलर स्केल, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द रेफरेंस लाइन, इज़ बिलो द रेफरेंस लाइन, और यू कैन से दैट द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लेफ्ट बिलो द रेफरेंस लाइन, दैन वैन both studs are brought in close contact with each other, means that the studs beta a wale studs, theek hai this one and this one when jado close bilkul le aune hai when they are in close contact with each other then zero is below left below the reference line then the error is the positive zero error when this zero of the circular scale crosses the reference line when both the studs are
brought these two studs, when they are brought close to each other, then the error is a negative zero error. Error is a negative zero error. ठीक है जी. Now how to calculate the, देखो बच्चे, this is when the circular scale has 50 divisions. When it is 100 divisions, so you can write here 90, here 90 maybe, here 90, and here will be 80. ठीक है, 80, 90, 100. So this is 80, 90. ठीक है जी. This is also you can write here 95 or 90. 5-5 division अंदर 90 लिख लो बेटा, 95, this is 95 also, 95 and this is 90. ठीक है, you can write it. So now here is no zero error. So here is a positive zero error. So we have to find out the now zero error here. So for this, how we can find out the zero error? So take the division. We do in millimeters because our main scale is in millimeters in this case. So we do in millimeters, then we convert it into a centimeters. So positive zero error. Now this, which division is matches with this zero? That is the first, second division. Second division is matching. Clear for positive zero error? So 2 into, so division is 2. So 2 into least count, 2 into least count, that is equal to 2 into least count is 0.01 mm, that is 0.02 mm, that is the positive zero error, that is the positive zero error, and this is always having positive sign. So the zero correction that is equal to, zero correction that is equal to minus 0.0 mm, that is the negative of zero error. ठीक है जी. Then is the negative zero error. Now negative zero error, see the zero is above the this reference line, zero is above the reference line, so the division that is coinciding, this is 95, that is 96 with the reference line, 96 is coinciding, so zero error means we have to minus from 100, because here are 100 divisions. 100, if there are 50, you will minus 50. So 100 minus 95, 96. Clear? So this is a negative zero error minus into least count, that is 0.01 mm. That is equal to minus 0.04 mm. ठीक है जी? And zero correction. Zero correction in this case, that will be equal to negative of zero error. Zero error is minus 0.04. So zero correction is 0.04 mm with positive sign in the case of negative zero error. So no zero error, positive zero error, negative zero error. ठीक है जी. This is about the zero errors. ठीक है जी. Then how to calculate the reading? How to calculate the reading with the help of a screw gauge? So this is a screw gauge. This is a screw gauge with no error. With no error, the zero of the reference, zero of the circular scale coincides, exactly coincides with the reference line. So there is no zero error. Now I put the wire. Whose diameter I have to find out? You can take the wire of this type, you can take the wire of this type. Also, you can find out the thickness of this sheet with the help of screw gauge. Okay? So, I take this wire inside, I put this inside. So, I will take the diameter for two mutually perpendicular case. First, I put the wire in this way, then in next case I will put mutually perpendicular direction. So I put the wire in this way. Clear? Now the I will take the main scale reading. Then first of all you have to take the main scale reading. Theek hai ji, main scale reading, then the circular scale reading. How? The division of circular scale that coinciding with the main scale, or you can say reference line. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस, दिस इज द केस, सपोज दिस इज द केस. नाउ यू हैव दिस इज द रीडिंग, यू कैन से व्हेन वी पुट द दिस वायर इन
इन द स्टड्स बिटवीन द स्टड्स. नाउ द मेन स्केल रीडिंग 0, 5 mm. 5 mm डिविजन्स आर 1, 2, 3, 4 इनसाइड. 5 तो बाद 6, 7. सो द मेन स्केल रीडिंग इज 7 और पिच स्केल भी तुसी कह सकते हो दैट इज 7 mm. एंड द डिवीजन ऑफ दिस सर्कुलर स्केल दैट कंसाइडिंग विद द मेन स्केल दिस इज 35, 36, 37, 38. सो सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज 38 एंड मेन स्केल और सर्कुलर मेन स्केल इज मेन स्केल रीडिंग दैट इज इक्वल टू 7 mm. 7 mm. ठीक है जी. सो नाउ आई ड्रॉ अ टेबल हेयर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो एरर. इफ देर इज नो जीरो एरर देन राइट इट निल. इफ देर इज अ पॉजिटिव एट अ टाइम देर विल बी पॉजिटिव जीरो एरर और नो जीरो एरर और नेगेटिव जीरो. एक एरर होएगा पॉजिटिव जीरो एरर. इफ देर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर राइट दैट एरर. देन नेगेटिव देर इज अ नेगेटिव जीरो एरर. इफ देर इज नो पॉजिटिव जीरो एरर देन देर विल बी नेगेटिव जीरो एरर. सो राइट हेयर. सो इन दीज थ्री केसेज देर विल बी वन केस कैन बी पॉसिबल. सो सपोज द एरर इज नेगेटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर दैट इज वी हैव कैलकुलेट दैट एरर दैट इज -0.04 mm. सो आई राइट हेयर द नेगेटिव जीरो एरर दैट इज इक्वल टू -0.04 mm. ठीक है जी. इफ दिस इज देन जीरो करेक्शन दैट विल बी माइनस ऑफ दिस जीरो एरर एंड दैट इज प्लस 0.04 mm. ठीक है जी. क्लियर. नाउ रीडिंग सीरियल नंबर 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमीटर विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है जी. सो मेन स्केल रीडिंग वी हैव कैलकुलेटेड बिलो. द मेन स्केल रीडिंग इज 7 mm. सो आई राइट हेयर 7 mm. ठीक है जी. इन मिलीमीटर सो राइट हेयर इन mm यूनिट्स. नाउ n इनटू लीस्ट काउंट. व्हाट इज n? द सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन. सो सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन. आई गो बैक. The division that is coinciding with the reference line that is 38. So that is n. N is 38 into least count. Least count in mm. Mm is 0.01 mm. ठीक है जी. So this is in mm. That is equal to 0.38 mm. ठीक है जी. 0.38 mm. नाउ ऑब्जर्व डायमीटर. दिस इज ए दिस इज बी. सो प्लस दीज बोथ 7 + 0.38 दैट इज इक्वल टू 7.38 mm. ठीक है जी. नाउ करेक्टेड डायमीटर दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायमीटर दैट इज 7.38 प्लस जीरो करेक्शन दैट इज 0.04 बिकॉज द एरर इज अ नेगेटिव जीरो एरर. सो जीरो करेक्शन इज प्लस. सो माइनस ऑफ जीरो एरर दैट इज दैट विल बी प्लस. ठीक है जी. सो दैट जीरो करेक्शन इज ऑलवेज एडेड विद द ऑब्जर्व डायमीटर. ठीक है जी. इन द केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर द जीरो करेक्शन इज पॉजिटिव. इन द केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर द जीरो करेक्शन इज नेगेटिव. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन अबाउट द जीरो एरर. सो प्लीज पे अटेंशन ऑन जीरो एरर. सो दिस विल बी 7.42 8 4s are 12 3 1 mm. ठीक है. दिस विल बी अ रीडिंग व्हेन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर इन वन डायरेक्शन. नाउ फाइंड द डायमीटर इन अदर डायरेक्शन बाय पुटिंग द वायर इन दिस वे म्यूचुअली परपेंडिकुलर केस. ठीक है जी. म्यूचुअली परपेंडिकुलर. नाउ फाइंड दिस अगेन इन दैट केस. दिस इज d1. This is d1 diameter. This is right here d1. This is d1. In second, that is d1a लिख लो यहाँ d1a d1b. So एक diameter दो बारी बेटे एक observation दो बारी लेना. Mutually perpendicular means one time अपन इधर रख लेना
तो सैकेंड टाइम इनू 90 डिग्री तो रोटेट कर देना, ठीक है। क्लीयर, वन टाइम इदा रख लिया जिम्मे पेन का फाइंड आउट करना, ठीक है, इदा हो गया। सैकेंड टाइम इदा रख लो, सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। क्लीयर, सेम इन द केस ऑफ तुम कॉपर वायर के केस के भी सेम लै सकते हो। सो एक रीडिंग आप दो बार ले लिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों साइड्स से, और डी वन बी आ जाएगा बेटा, डी वन ए तो डी वन बी भी सेम ही होएगा, दैट विल बी आलसो 7.42। सो एक रीडिंग आप दो बार लै ली, डी वन ए डी वन। सिमिलरली सैकेंड रीडिंग बेटा डी टू ए लै लेनी है, डी टू बी लै लेनी है, सेम डी थ्री ए लै लेनी है, डी थ्री बी लै लेनी, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम ही होएगा बेटा। जो डिफरेंस भी होएगा तो थोड़ा मोटा होएगा, दैट विल बी 7.43 हो सकता। सो एंड के उत्ते तुसी मीन लै लेना, मीन डायमीटर दैट विल बी, मीन डायमीटर दैट विल बी डी वन ए प्लस डी वन बी प्लस डी टू ए प्लस डी टू बी प्लस डी थ्री ए प्लस डी थ्री बी डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज़ द मीन डायमीटर। सो इतना तुसी बेटा रेडियस फाइंड आउट कर लोगे, इतने की फाइंड आउट कर लोगे, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द रेडियस, आफ्टर फाइंडिंग द रेडियस बेटा रेडियस फाइंड आउट कर लिया, सो यू कैन फाइंड आउट द लेंथ, लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस वायर, यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस वायर। सो लेंथ, सपोज द आई हैव अ स्केल एंड आई कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ this wire with the help of scale, that is approximately equal to 26, approximate equal to 26 centimeter. So right here length of the wire that is equal to length of wire that is equal to 26 centimeter. So and diameter that is equal to 7.42, अप्रॉक्सीमेट आप ले लें बेटा 7.42 मिलीमीटर। सो चेंज इन टू सेंटीमीटर, यू नो दैट 10 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 1 mm दैट इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। सो 7.42 mm डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी 0.742 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सेंटीमीटर्स कन्वर्ट करना बेटा, डिवाइडेड बाय 10 कर लिया, सो ये तो को लेंथ पई है, ये तो को डायमीटर पे है। सो फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम द, वॉल्यूम ऑफ दैट वायर दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। सो इतों तुम वायर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड द ऑफ दिस दैट इज दिस वायर दैट इज अ कॉपर वायर, ठीक है। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ दिस, क्लियर। So this is about the screw box. Thank you very much.